अरे दोस्तों, मैडम को मैं आप देखना चलो स्टार। दोस्तों अब हिंदी में भी आएगी विजय सेतुपति की फिल्म मास्टर। जी हाँ, हिंदी फिल्म प्रोड्यूसर मुराद खेतानी ने इस फिल्म को हिंदी में रिक्रिएट करने का फैसला ले लिया है। और बताया जा रहा है कि मुराद खेतानी हाल ही में ही हैदराबाद रामोजी फिल्म सिटी में गए थे और उधर उन्होंने इस फिल्म की डील डन कर ली है हिंदी में रिक्रिएट करने के लिए, और काफ़ी बड़ी रकम में इस फिल्म के राइट खरीदे हैं मुराद खेतानी ने। और मुराद खेतानी ने पहले इस फिल्म की जो स्क्रीनिंग है वो देखी, जिसके बाद मुराद को ये फिल्म की जो कहानी है वो अच्छी लगी और मुराद ने काफ़ी बड़ी रकम में इस फिल्म के राइट खरीदे हैं। और बताया जा रहा है कि मुराद बहुत ही जल्दी इस फिल्म का हिंदी रिक्रिएट लेके आने वाले हैं और बॉलीवुड का कोई बड़ा एक्टर इस फिल्म में लीड रोल निभा सकता है। जैसे कि मास्टर जो ओरिजिनल फिल्म है, जो कि दो दिन पहले ही साउथ लैंग्वेजों में रिलीज की गई है, और उसमें विजय सेतुपति नज़र आए हैं, और जो हिंदी में रिक्रिएट होगी उसके अंदर बॉलीवुड का ही कोई बड़ा एक्टर नज़र आएगा। और साउथ में जैसे ही ये फिल्म रिलीज़ हुई, यानी कि 13 जनवरी 2021 को, उसी दिन लोगों की काफ़ी भीड़ देखने को मिल रही थी सिनेमाघरों में साउथ इंडिया के, और वहाँ पे कोरोना गाइडलाइन का भी पालन नहीं किया जा रहा था। तो अगर बॉलीवुड में भी ये फिल्म आती है तो उम्मीद है कि जैसी भीड़ वहाँ पे हुई सिनेमाघरों में, वैसी भीड़ यहाँ पे भी हो। और हिंदी में जब डब किया जाएगा तो काफ़ी मज़ा आने वाला है इस फिल्म को देखने में। और बॉलीवुड के मेकर्स ज़्यादातर फिल्म आजकल साउथ इंडिया की उठाते हैं और हिंदी में रिक्रिएट कर देते हैं। काफ़ी ऐसी फिल्में हैं, लगता है कि बॉलीवुड के जो मेकर्स हैं उनके पास बिल्कुल भी क्रिएटिविटी नहीं बची है, इसीलिए वो साउथ की फिल्में उठाते हैं और उनकी हिंदी रिमेक करते हैं। ऐसे ही मुराद खेतानी करने वाले हैं साउथ की फिल्म मास्टर को रिक्रिएट करके। अब कितनी जल्दी फिल्म का काम शुरू होता है वो तो देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल के लिए बस नहीं मिलती थी वो तुम्हारी वीडियो।